अभी एडजस्ट जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां से होकर गए हैं। भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो भी उनके साथ मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उनके साथ मौजूद थे और साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी यहां पर मौजूद थे। करीबन 2 से 3 मिनट तक ही वो यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए रुके। उसके बाद चूंकि वीवीआईपी मूवमेंट था, इसी वजह से जो बाकी आम जो लोग दर्शन करने के लिए अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था। और अब जो है अमित शाह यहां से फिलहाल निकल चुके हैं। अब यह भी बताया गया है कि अमित शाह यहां से निकलने के बाद कुलाबा में जो घर है रतन टाटा जी का, वहां पर भी जाएंगे और उनके परिजनों से भी वहां पर मुलाकात करेंगे। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वर्ली में जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा शायद वहां पर भी जा सकते हैं। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कोलाबा में जो उनका घर है यहां पर मुंबई में, वहां पर वो जा सकते हैं। अभी फिलहाल यहां से एनसीपीए से वो निकल चुके हैं अंतिम जो है दर्शन करने के बाद। और जितने भी बड़े नेता थे वो उनके साथ मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री के साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद थे। आपको बता दें कि यहां से अब ये बताया जा रहा है कि अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर ये जो अंतिम दर्शन का जो एक प्रोसेस यहां पर चल रहा है, जो लोग यहां पर आ रहे हैं उन्हें शायद अब रोक दिया जाएगा और 4 बजे के करीब यहां से इनका पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए निकलेगा उस वर्ली के क्रिमेटोरियम पे जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा रतन टाटा के। और इस समय एक दुख की लहर पूरे देश भर में उमड़ी हुई है। चौंकाने वाली बात हालांकि ये जरूर है कि जितने भी बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो शायद यहां पर अंतिम दर्शन करने के लिए आएंगे, लेकिन करीबन 3 से 4 घंटे अब तक बीत चुके हैं लेकिन बॉलीवुड का कोई भी सेलिब्रिटी यहां पर पहुंचा नहीं है। हालांकि सचिन तेंदुलकर की बात की जाए तो वो उनके घर पर कोलाबा में अंतिम दर्शन करने के लिए गए थे और कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहां पर नहीं आए हुए थे और काफी करीबी माने जा रहे थे रतन टाटा के, वो उनके घर पर कोलाबा में आखिरी दर्शन किए हुए हैं। तो अब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आखिरी जो दौर है दर्शन का अंतिम का वो चल रहा है और उसके बाद यहां से अंतिम यात्रा निकलेगी। सर्वप्रथम सर जी को कोटि कोटि प्रणाम नमन। आज मैं एक नॉर्मली पेंटिंग करता था लेकिन सर ने मेरे हुनर को पहचाना, उन्होंने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। हमारे देश के बोला जाएगा तो एक हीरा कोई नहीं हीरा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें मेरे साथ में रहेगी। उन्होंने मेरे लिए जो आर्ट के संबंधित दरवाजे खोले तो काफी टाइम से मैं उनको मिलने की कोशिश कर रहा शुरुआत में, तो हमारे यहाँ के दादा पवले जी हैं, उन्होंने मुझे उनसे मिलाया था। क्या क्या यादें, क्या क्या यादें रतन दादा ने आपको हेल्प की थी उस बारे में बताओ। जैसे कि एक बार ऐसे हो गया था कि 6x6 की पेंटिंग छ बाय 3 की पेंटिंग मैंने जो बनाई थी, जो हमारे राजा महाराजा उनकी लाइफ स्टाइल, तो सर जी को मैंने ऐसे बताया था कि सर ये 6x3 की पेंटिंग बनाने में मुझे काफी प्रॉब्लम हुआ। तो सर ने पूछा कि किस तरह का प्रॉब्लम। बोला सर मेरा घर 10x10 का घर है, उसमें मोरी आ गया, ये कबाट किचन, तो जो जगह बचता है स्पेस वो 3x3 का जगह बचता है। और आर्ट करने के लिए आप जब बड़ा कुछ आर्ट बना रहे हो तो आपके लिए उसके लिए इम्पोर्टेंट है स्पेस, जैसे आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, उसका शेडिंग किस टोन में है, उसके स्ट्रोक कैसे जा रहे हैं, वो सब देखना पड़ता है स्पेस लेके। तो ये पेंटिंग बनाने मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। तो सर ने पूछा कि आप कहाँ पे रहते हो। मैं बोला सर जो आपका प्रेसिडेंट ताज होटल है उसी के बाजू में मच्छीमा नगर है कोलीवाड़ा, वहीं पर मैं रहता हूँ। तो और कि आपके फैमिली में कौन कौन है। बोला मेरे पापा तो बचपन में मैं 5 साल का भी गए और माँ ने बड़ा किया है, मेरी वाइफ है, मेरी छोटी बच्ची है, मेरी माँ है और बहन का शादी हुआ। बोले अच्छा, तो एक निवेश आप काम कीजिए कल आके मुझे मिलिए। लेकिन कल तो दूसरे दिन जाने के बाद सर मिले नहीं, 14 दिन मिले। मिलने के बाद जब मैं बैठा था सर आए, मैंने उनके पैर छुआ। सर ने बोला कि नीलेश ये मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ, जैसे आप बता रहे थे आपका घर इतना छोटा घर है और ये आप रखिए, इससे आप कुलावा में बड़ा घर लीजिए, आपको स्पेस मिल जाएगा, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप पेंटिंग्स बनाइए। तो मैं उठ के उनसे पैर छुआ, बोला सर कि मुझे
पैसा नहीं चाहिए। वो जो मैंने पेंटिंग आपको दी थी वो आपके लिए गिफ्ट ही, वो मतलब उसका पैसा नहीं मैं ले सकते हैं। तो फिर सर बोले आप, फिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बोले सर आप मुझे कुछ काम दीजिए, जो आप काम का जो भी पैसा देंगे वो मैं ले लूँगा, लेकिन आर्ट के रिलेटेड मुझे कुछ काम दीजिए। जैसे कि मैंने ताज में काफ़ी बार मेरा आना जाना होता था जब मैं ऑफिस बॉय का काम करता था सिंगापुर एयरलाइंस फर्स्ट फ्लोर पे। तो हुसैन जी से लेके गायतुंडे से लेके रजा सौजा, ये काफ़ी सारे पेंटिंग्स ताज में कलेक्शन है। जैसे कि हम ताज में एंट्री करेंगे लेफ्ट साइड में हुसैन जी का बहुत बड़ा पेंटिंग्स है। तो सर बोला मैं ऐसे कुछ मुझे काम दीजिए। तो सर बोले करके ठीक है, वैसा तो अभी फिलहाल है नहीं लेकिन मैं आपको बोलता हूँ। और उसी दरमियान कुछ 10-12 दिन के अंदर ये लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन जब खुला तभी जब मैं सर से फिर से मिला तभी सर बोले कि नीलेश मैं आपका एग्जीबिशन ताज में लगाना चाहता हूँ। तो मैं बोला सर लेकिन मेरे पास उतनी तो पेंटिंग्स है नहीं, मुझे टाइम लगेगा क्योंकि घर छोटा होने के कारण पेंटिंग के स्पेस स्टोर करने के लिए स्पेस नहीं है। तो सर बोले ठीक है आप करा दीजिए। तो दो महीने का मैंने टाइम लिया था लेकिन 2.5 महीना लगा, और एक पेंटिंग बनाने के लिए कम से कम 15-20 दिन तो लगता है। लेकिन दिन रात काम करके मैंने 19 पेंटिंग बनाई थी। तो प्रॉब्लम थोड़ा सा एक हुआ था कि मुझे जो टाइमिंग मिला था लोगों तक पहुँचना, जो आर्ट लवर है वो पहुँच नहीं पाया, लेकिन कुछ पेंटिंग ज़्यादा बिकी नहीं, खाली 2 पेंटिंग बिकी थी। लेकिन जब मैं घर पे आया तो मुझे काफ़ी सारा सर के आशीर्वाद से मुझे लोगों तक मैं पहुँचा, उसके लिए मैं सर का कभी भी भूल नहीं सकता हूँ सर। आज हमारे देश के कोहिनूर हीरा थे, वो जाने का दुख तो बहुत है लेकिन और कुछ मेरी तो ख्वाहिश थी कि मेरा उनको उम्र लगे, लेकिन ये सिर्फ बोलने की बातें होती है, ऐसे तो होता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता तो जरूर मेरी उम्र उनको लगती है।